हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुपमा गोरखपुर से, आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और मैं ठीक हूँ। ये संडे की क्लिप है, 10 बजे की। तो संडे 10 बजे से इसमें संडे और मंडे दो दिन का ब्लॉग है। तो संडे 10 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। ये मिस्टी पोहा बना के लाई है और मैंने संडे को कुछ भी नहीं किया, सारा काम मिस्टी ने किया था, तो मैं क्या ब्लॉग बनाती। उसके बाद से शाम को 6 बजे, 6:30 हो रहा था, तो मुझे सृष्टि के साथ मार्केट जाना था। तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो हमने कहा कि दिखा देती हूँ आपको कि मार्केट जा रही हूँ। मार्केट में विज़िट कराना था, लेकिन बिल्कुल गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि एकदम से हो नहीं पाया। और आगे से मेरे बिल्कुल बाल झड़ चुके हैं, वही मैं देख रही थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद से मैं मार्केट से आ गई और मार्केट से मैं बहुत सारी चीज़ें लाई। एक तो थ्रेडिंग बनवाई, उसके बाद से एक दो चीज़ें ली कॉस्मेटिक की, और फिर उसके बाद से एक्वेरियम के लिए मछली ली। 5 मछलियाँ हमने लिया है। तो पहले मछलियों को हमने ऐसे डाल दिया था इसमें एक्वेरियम में, थोड़ा सा वो हो जाता ना, वो लोग कहते हैं कि जब प्लास्टिक में ले जाइए तो प्लास्टिक सहित अपने एक्वेरियम डाल दीजिए, कुछ घंटे बाद उसको पानी में निकालिए। तो ऐसा ही कर रही है, सृष्टि मिष्टि दोनों हैं, तो और अच्छा लगता है। कुछ भी नया आता है तो बच्चों को बहुत खुशी होती है, और बच्चों को क्या, बड़ों को भी होती है। हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं फालतू पैसा वेस्ट करती हो मेरा। तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो बताइए ज़रूर। मंडे और दिन के 2:30 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ अपना फेशियल कराने आज सृष्टि के हाथों से। तो काफ़ी अच्छा करती है और मेहनत भी करती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब एक एक स्टेप बहुत अच्छे से बच्चों से ही करवाती हूँ। तो मिस्टी के से तो पेपर चल रहे हैं और कल उसके पेपर हैं, और अभी 2 पेपर हो चुके हैं उसके, और तो इसलिए उससे नहीं कराऊँगी, सृष्टि से कराऊँगी। और सृष्टि सुबह अपने समर असाइनमेंट थोड़ा सा कंप्लीट किए, अब थोड़ा सा शाम को लेके बैठूँगी। तो अभी मैं फेशियल करा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं पैक लगा चुकी हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर नहीं की, आप कहेंगे तो कर दूँगी। यहाँ देखिए 7:30 होने वाले हैं, सिस्टर और मिस्टर दोनों बच्चे मेरा पढ़ाई कर रहे हैं और मैं बनाऊँगी खाना। ये है मेहंदी जो मैंने काट के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7:30 होने वाले हैं, तकरीबन हो ही चुके हैं। और मैं दिन में सो गई थी उसके बाद फेशियल कराने के बाद से, उसके बाद से उठी हूँ तो इनके पापा भी आ गए थे, और उसके बाद से मिस्टी ने चाय बना के दिया, चाय और मठरी जो हमने कुछ दिन पहले बनाया था काफ़ी मात्रा में, वो बना के मैं रखी थी। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत खा के उसके बाद से मैं प्लांट में पानी डाली हूँ, जो एसी का पानी होता है, तो नहीं हो पाया। दूसरे दिन आया, उसके बाद से दूसरे दिन में वो इसमें कुछ दिक्कत आ गया था कि वो निकल गया था, उसके बाद से वो फिर वो गई लगवाने के लिए, मतलब तीसरे दिन मुझे गिफ्ट मिला। ओके, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए शाम का, जो भी है। तो मशरूम आए, वो मशरूम मेहंदी है जो मैं अपने उसमें लगाई हूँ ऊपर गमले में, तो वो तोड़ के लाई हुई, इसे मैं पीसूंगी और पीस के इसमें सिलबट्टे पे पीसूंगी और पीस के इसमें वो मिलाऊंगी मैं पैकेट वाली मेहंदी मार्केट की, और थोड़ी सी कॉफ़ी मिलाऊंगी, और रात में मैं बाल में लगा के सो जाऊंगी और मॉर्निंग इसको वॉश करूंगी, बिकॉज आगे के बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए मेरे, तो यही करूँगी। और
तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा डिनर तैयार हो चुका है और रात के 10 बज रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए मशरूम की सब्ज़ी, रोटी और पुलाव। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।